हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सुषमा की रसोई में। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी सब्जी। जो बैंगन नहीं खाता वो भी सवाल ले लेके खाएगा। तो आज हम बनाएंगे बैंगन के कोफ्ते। सबसे पहले हम इसे इस तरह से इसके छिलके उतार लेंगे बैंगन का, इस तरह से इसका डंठल भी निकाल लेंगे और सेंटर से हम देख लेंगे बैंगन को कि बैंगन हमारा सही है। ये देखिए, हम इसकी मदद से इसे घिस लेंगे। आप चाहे मोटी साइड से या पतली साइड से, जिससे चाहे कर सकते हो। हम मीडियम साइज से कर रहे हैं। हमने बैंगन को घिस लिया है, अब इसे रखेंगे साइड में। और हमने ग्रेवी के लिए कुछ मसाले लिए हैं, 3 से 4 प्याज, 7 से 8 कली लहसुन की, 3 से 4 हरी मिर्च, 1 अदरक इंच टुकड़ा, 2 टमाटर। अब प्याज लहसुन और अदरक हरी मिर्च की ग्रेवी बना लेंगे। टमाटर को हम अलग से पीसेंगे और सभी मसाले को हम चॉप की मदद से ग्राइंड कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। बैंगन से पानी निकाल लेंगे इस तरह से। पानी हमने निकाल लिया है बैंगन से सभी, और जो हमने मसाला बनाया था उसमें से हम डालेंगे 1 चम्मच मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच नमक। और सभी मसाले आप स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। उसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच बेसन का और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे धनिया बारीक कटा हुआ और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और हम इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। हमने सभी पीसेस कोफ्ते के बनाकर रेडी कर लिए। अब इसे करेंगे फ्राई। तेल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखा था। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसे करेंगे फ्राई। आराम आराम से गैस कर देंगे धीमी आंच पर। आराम आराम से डालेंगे इसे। हम एक साइड से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 2 मिनट हमारे हो चुके हैं, अब दूसरी साइड इसे पलटेंगे और हम दूसरी साइड से भी इसे 2 मिनट के लिए फ्राई होके निकालेंगे। हमारे दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तेल हमारा ज्यादा था इसलिए हमने थोड़ा सा कम कर लिया है तेल कढ़ाई में। करीबन 1 चम्मच तेल है बड़ा। सबसे पहले डालेंगे हम दालचीनी, साथ में 2 तेज पत्ते, 2 सूखी लाल मिर्च, 1/2 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। 1/2 सेकंड हमारा हो चुका है, अब डालेंगे इसमें प्याज, कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। 3 से 4 मिनट के लिए इसे हम पकाएंगे मसाले को। 3 से 4 मिनट हमारे हो चुके हैं, प्याज हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर और करेंगे कुछ मसाले ऐड, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला और थोड़ी सी डालेंगे हम कस्तूरी मेथी। करेंगे मिक्स इसे। और इसमें हम 2 चम्मच पानी ऐड करके अच्छी तरह सभी मसालों को हम पकाएंगे। इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे अच्छी तरह से,
ताकि जो मसाले हमारे अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएं। मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, ये देखिए साइड में तेल अलग नजर आ रहा है आपको। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए आधे से पौना ग्लास पानी डालेंगे और साथ में एक चम्मच बेसन लिया था जिसे मैंने घोल बना लिया, वो भी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह उबाल आने के लिए दो से तीन ऐसे ही पकने के लिए छोड़ेंगे जब तक इसमें दो से तीन उबाले ना आ जाए। दो से तीन उबाले हमारे आ चुके हैं, अब इसमें हम ऐड करेंगे कोफ्ते। और इसे हम 5 मिनट के लिए इसी तरह बॉईल होने के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे, कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स और इसे हम 1 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट वो हमारे हो चुके हैं और ग्रेवी कितनी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब डालेंगे हम इसमें धनिया बारीक कटा हुआ, गैस कर देंगे बंद। आप भी मेरे इस तरीके से एक बार जरूर बना के देखिएगा बैंगन के कोफ्ते। जो बैंगन खाना नहीं पसंद करता वो भी आपसे मांग मांग के खाएगा और देखिए कितने सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं, अंदर से जालीदार बिल्कुल। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं फिर आपके लिए इससे भी अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊंगी। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।